प्रयागराज से खबर, जहां पर अब्बास अंसारी पर दर्ज भड़काऊ भाषण पर मामला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस की सुनवाई होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था, जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। अब्बास अंसारी पर दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी केस की सुनवाई। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया गया था, जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है आज भड़काऊ भाषण को लेकर, आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में? जी जी, आपसे बता दें, अब्बास अंसारी की जो मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब्बास अंसारी ने चुनाव दौरान उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद हम देखेंगे अधिकारियों को, इसी को देखते हुए आज जो कोर्ट में फैसला है, कोर्ट में आज उनकी अर्जी लगी है, वो चाह रहे हैं कि हमें इससे बरी किया जाए, लेकिन ये उनकी जो मुसीबत है बरी होने का नाम नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं वो फंसे जा रहे हैं, उनकी ईडी जांच भी हो चुकी है, उनके मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है, तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो चाहे कितना बचाव करने के लिए लगे, लेकिन कोर्ट के फैसले के आगे उन्हें देखना पड़ेगा क्या आता है कोर्ट फैसला जो सामने आने वाला है। देखते हुए कि अब्बास की जो वहां के टीम है, वहां के जनसलाब है, कुछ न कुछ लोग बाद आए हुए हैं, उनके रिलेटिव परिसर में खड़े हैं, कोर्ट के सामने खड़े हैं, वो चाह रहे हैं कि कोर्ट क्या करती है, क्या न्याय कराती है, इसी को देखने के लिए वो लोग सुबह से ही यहाँ मौजूद है और अपने कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? जी, अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं आया है, कोर्ट का फैसला जो है जल्दी से जल्दी आने वाला है, क्योंकि वो को उनके वकील लगे हुए हैं, गए हुए हैं, अभी उनके जो अब उनका जैसे नंबर आएगा वैसे वो पेश होंगे और उसके बाद उनकी तारीख पर सुनवाई हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राहुल। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी केस की सुनवाई। अब्बास अंसारी की मुश्किलें पड़ी हैं, आपको बता दें कि आज फैसला आना है, बढ़ सकती है, और जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच आज करने वाली है मामले पर सुनवाई।